यूपी के रेस्टोरेंट और ढाबा मालिक हो जाएं सावधान, योगी सरकार ने बड़ा आदेश कर दिया जारी। गंदगी और मिलावट करने वालों पर होगा तगड़ा एक्शन। देश में इन दिनों कहीं प्रसाद में मिलावट की खबरें सामने आ रही हैं, तो कहीं खाने में मिलावट की खबरें देखने को मिल रही हैं। बल्कि सोशल मीडिया पर होटलों के साथ साथ ढाबों की भी ऐसी तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जहां गंदा खाना परोसा जा रहा है और लोगों को ऐसा खाना परोसा जाता है जिससे खाने से लोगों की तबीयत तक खराब हो जाती है। यहां तक कि कई रेस्टोरेंट और होटलों पर लोग अपना नाम भी गलत लिखते हैं, यानी कि नाम बदलकर होटल चलाते हैं। लेकिन अब यूपी में ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, यूपी सरकार इस तरह की हरकतें करने वाले रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। बकायदा योगी सरकार ने इसे लेकर कई कड़े नियम और बड़े आदेश भी जारी कर दिए हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रेस्टोरेंट और ढाबों पर मालिकों के नाम लिखने के निर्देश दिए हैं। और तो और, खबर ये भी है कि सभी रेस्टोरेंट, ढाबों और होटलों पर सीसीटीवी लगाने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों में गंदगी और मिलावट करने वालों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की जांच, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए। साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन के भी निर्देश दिए। इस बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए प्रमुख दिशा निर्देश में कहा गया है कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं। ऐसी घटना विभत्स है और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है। ऐसी हरकतें स्वीकार नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे ढाबों और रेस्टोरेंट आदि खानपान के प्रतिष्ठानों की जांच की जानी आवश्यक है। प्रदेशव्यापी अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालक सहित वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों का सत्यापन किया जाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन संयुक्त टीम द्वारा ये कार्रवाई तुरंत करें और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि खानपान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोप्राइटर और मैनेजर के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाने चाहिए। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किए जाए। इसके अलावा खानपान के केंद्रों पर साफ सफाई होनी चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने और सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क, ग्लव्स का उपयोग जरूर करे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जो लापरवाही करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन नियमों के बाद अब मिलावट खोरों और गंदा खाना परोसने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में प्रशासन को भी आसानी होगी। और तो और, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो भी अब सुधर जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।